नमस्कार दर्शकों, मैं सिद्दीकी अलमास इंडियाग्राम रिपोर्ट से हाजिर हूँ आपके सामने खबरों के साथ। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। स्टेट ट्रांसपोर्ट की हड़ताल से अब राज्य के सुदूर इलाकों में ही नहीं बल्कि मुंबई में भी लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस हड़ताल के बाद राज्य के अलाकमान से एक डोज ले चुके यात्रियों को भी यात्रा की मंजूरी देने की मांग की जा रही है। वो लोग मुंबई के आसपास के इलाकों में ही नहीं स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों से नौकरी के लिए आते हैं। हड़ताल के कारण अब उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इनमें से हजारों लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगे हैं। कल्याण, कसारा, कर्जत, नवी मुंबई, वसई और विरार से अभी भी हजारों लोग स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों से आते हैं। स्टेट ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों की हड़ताल को अब 14 दिन बीत चुके हैं। अब तक राज्य भर में करीब 250 डिपो बंद हो चुके। इसी की वजह से पूरे प्रदेश में लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। दूसरी ओर वैक्सीनेशन नहीं होने के कारण इन्हें लोकल ट्रेनों में भी यात्रा की मंजूरी नहीं दी गई है। परिस्थितियों को देखते हुए यात्री संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर परेशानियों से अवगत कराया गया है। साथ ही एक डोज वाले व्यक्तियों को भी लोकल ट्रेन में यात्रा की मंजूरी देने की मांग की गई है। उपनगरीय रेलवे प्रवासी संघ के मनोहर शेलार का कहना है कि लोगों को मुआवजा नहीं चाहिए, बस मजबूरी के कारण लोकल ट्रेन में यात्रा की अनुमति चाहिए। मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में इस बात पर भी सवाल उठाया गया है कि 18 साल के नीचे वाले बच्चों को बिना वैक्सीन के भी मंजूरी दी गई है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। इसी तरह की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आईजीआर।